लाहौर हाईकोर्ट ने इमरान खान की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने 3 मार्च तक पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया है। जस्टिस अली बाकर नशवी ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। थाना संगजानी में दर्ज मुकदमे में जमानत दी गई। तहरीरी फैसला भी जारी। अदालत ने इमरान खान को शाम 5 बजे पेश होने का हुक्म दिया था। निर्देश के बाईस इमरान खान ताखीर से पहुंचे। अदालत ने दस्तखत के मामले पर इमरान खान की दरख्वास्त निपटा दी। अदालतों का एहतराम करता हूं, जब भी अदालत ने बुलाया पेश हुआ। इमरान खान की रोस्टर पर गुफ्तगू का 1 घंटे से कोशिश करता रहा हूं कि अदालत के लिए गाड़ी से निकल आऊं। डॉक्टर्स ने चलने से रोका है, अगर कोई भी झटका लग गया तो नुकसान हो सकता है। हड्डी तकरीबन जुड़ चुकी है, 28 फरवरी को एक्सरे होना है। अदालती पेशी पर खान के हमरा आवाम का जमे गफीर उमड़ आया। खान जमान पास से निकले तो आवाम का ठाठे मारता समंदर भी खान के हमरा हो गया। असद उमर और शाह महमूद कुरैशी समेत मरकजी क्यादत भी इमरान खान के हमरा थी। जगह जगह इमरान खान की गाड़ी पर गुलपाशे भी कह गई। लोग इमरान खान जिंदाबाद के नारे भी लगाते रहे। फवाद चौधरी कहते हैं कि किसी कॉल के बगैर हजारों लोग अपने लीडर के लिए निकले। अगर इमरान खान साहब को बेल बिफोर अरेस्ट चाहिए तो अदालत में पेश हों, और अगर अदालत ये सहूलत इमरान खान को देती है तो फिर ये हर मुजरिम को सहूलत मिलनी चाहिए। बार बार बुलाने के ऊपर एक शख्स बेशर्मी के साथ मुल्क के आईन कानून और अदालती निजाम का तमाशा लगा रहा है। ये तमस्खर, ये तमाशा, ये अदालती निजाम का मजाक और मुँह चढ़ा रहा है एक शख्स, और उसको इजाजत दी जा रही। मरियम औरंगजेब की अदालती कार्रवाई में मुदाखलत की कोशिशें दौरान समाप्त प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी गई। कहा इमरान खान अदालती निज़ाम का तमाशा बना रहे हैं। पहले कहा गया कि इमरान खान जमान पास से अदालत नहीं आ सकते, फिर कहा गया कि गाड़ी से अदालत नहीं जा सकते। सदर मुमलिकत ने आईनी जिम्मेदारी अदा कर दी है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तारीख दे दी है। दोनों सूबों में 9 अप्रैल को इंतखाबात होंगे। आरिफ अलवी ने कहा कि आईन 90 दिन से जायद की ताकीद की इजाजत नहीं देता। आईन के तहफ्फुज़ और दफा का हल्फिया है, दोनों गवर्नर्स अपनी आईनी जिम्मेदारियाँ अदा नहीं कर रहे। इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास आज तलब कर लिया। सदर की तारीख के ऐलान का जायजा लिया जाएगा। सदर साहब ने डेट दे दी है, ऐलान कर दिया, क्या कहेंगे? उसकी औकात ही नहीं है इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दिया। आईन ने उसको ये इख्तियार ही नहीं दिया, वो अपनी औकात से बाहर हो रहा है। सदर ने गैर आईनी हरकत की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की धमकी। वज़ीर दाखला राना सनाउल्लाह ने कहा कि सदर आईन की हद में रहें, आबैल मुझे मार वाले काम ना करें। कमर जमान कायरा बोले कि सदर आरिफ अलवी ने आज आईन तोड़ा है। के अंदर बहुत वाज़े तौर पर ये कह दिया गया है कि गवर्नर जो है वो डेट अनाउंस करेगा ये, और 90 दिन के अंदर जो है इलेक्शन कराएंगे। मगर अगर गवर्नर एक्ट नहीं करता है तो इलेक्शन एक्ट के अंदर सेक्शन 57 है। सेक्शन 57(1) ये कहता है कि दी प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट। आईन के सेक्शन 57 के तहत सदर मुमलिकत इंतखाब की तारीख दे सकते हैं। कानूनी माहिर अनवर मंसूर ने सदर के हुक्म को आईनी करार दे दिया। बोलियों से गुफ्तगू में कहा कि सदर के हुक्म पर अमल के लिए आईन में कोई तरीका नहीं बताया गया। सदर के ऑर्डर पर अदालत अमल करा सकती है। बड़े बड़े दहशतगर्दों की सजाएं आरिफ अलवी ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में माफ की हैं। वो जो टाइगर फोर्स के सरबराह हैं ऐवान सदर के, आरिफ अलवी साहब, पहले वो गिरफ्तारी दें, दूसरा वो, फिर वो इमरान खान साहब गिरफ्तारी दें। एक काम है नेकी और पूछ पूछ। ऐवान सदर मिसयूज हो रहा है, जमान पार्क में छुप के आ चुना है कि वो, फिर उसको अदालत ने भी, उसको बड़ी टाइमिंग की है, तो हमने भी कोर्टें देखी है, लेकिन ऐसी आयाशी मैंने नहीं देखी कि आज नहीं आऊंगा कल आऊंगा। पाकिस्तान में क्या दुनिया में किसी अंडरवर्ल्ड डॉन को इस तरह की जो है वो सहूलतें नहीं मिलती जो इसके पूरे टीम को दी गई। इमरान खान दुनिया का वाहिद डॉन है जिनको इतनी सहूलियात मैसर हैं। सिंध के वज़ीर ताज शर्चिली नाम मेमन ने सदर को इमरान खान का झूठा ना खाने का मशवरा दे दिया। कहा कि सदर आरिफ अलवी ने खतरनाक दहशत गर्दों की सजाएं माफ़ की हैं। कराची में आइंदा हफ्ते से स्टैंप चेकिंग शुरू होगी। बगैर रजिस्ट्रेशन और बगैर नंबर प्लेट गाड़ियाँ जब्त की जाएंगी। आस्था है कि नुमाइश किसी सूरत नहीं दी जाएगी।
توشہخانہ فیصلے کے خلاف احتجاج پر دہشت گردی کا مقدمہ، عمران خان کا وفات نکالنے کے لیے عدالت سے رجوع، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست، کہا حکومت سیما پر جھوٹا مقدمہ درج کیا گیا، دہشت گردی کی دفعات حذف کرنے کا حکم دینے کی صدا۔ ادھر اے ٹی سی نے پارلیمنٹ حملہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی پر دہشت گردی کی دفعات ختم کر دی۔ ملک کو سنگین چیلنجز کا سامنا ہے، حکومت سنجیدہ نہیں، شہزاد وسیم کا سینٹ میں خطاب، کہا ملک سرکس کا متحمل نہیں ہو سکتا، ریاست کے سربراہ کو گالی بھی دے تو مقدمہ درج نہیں ہوتا، ایک وزیر آڈیو ویڈیوز نکال کر کہتے ہیں کہ خدمت کر رہے ہیں۔ نثار کھورو نے رد عمل میں کہا کہ چیئرمین نیب کی ویڈیوز ضابط نے چلائی ہیں، اس وقت معاشرے کا خیال نہیں آیا۔ کراچی پولیس آفس پر حملے کی تحقیقات میں ہم موڑ، سی ٹی ڈی نے افغان بستی میں کارروائی کرتے ہوئے سابق افغان کمانڈر اور کردم داعش کے دہشت گرد سمیت تین ملزمان دھر لیے، متاثرہ عمارت کے ملبے سے شواہد اکٹھے کرنے کا کام تقریباً مکمل ہو گیا، آفس کو مکمل فعال کر دیا گیا۔ ترکیہ میں ایک مرتبہ پھر زلزلے کے جھٹکے، شدت 6.4 تھی، دو ہفتے قبل آنے والے قیامت سے اس زلزلے میں جاں بحق افراد کی تعداد 41,000 سے بڑھ گئی ہے، شام میں 6,000 کے قریب افراد لقمہ اجل بنے۔ امریکی صدر اچانک یوکرین پہنچ گئے، غیر اعلانیہ دورے پر شہر کیف میں سائرن بجائے گئے، یوکرینی صدر نے کہا کہ امریکی صدر سے طویل فاصلے تک مارنے والے ہتھیاروں پر بات ہوئی ہے، بائیڈن نے کہا کہ یوکرین کو $500 ملین کا نیا فوجی امدادی پیکج دیا جائے گا۔ میں ہوں سید مزمل شاہ اور اب آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں صرف بول نیوز پر۔ زندگی ایک میدان ہے اور پی ایس ایل 8 میں ہر ٹیم کو چھونا آسمان ہے، چھ ٹیموں کے بیچ دھواں دار لڑائی، یہ شور نہ لڑائی کا ہے نہ ڈر کا، یہ شور ہے جیت کا، یہ شور ہے جنون کا۔ کھیل کا جنون روزانہ رات 11 بجے صرف بول نیوز پر۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔